Now नाउ लेट्स डिटर्मिन द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश ऑफ दिटी Latest finish rule ये basically backward pass के basis पर होगा कि जो last activity है उसका हमने देखना है कि कब उसने complete होना है और उससे फिर हम चलेंगे कि uh, कब उसको शुरू होना चाहिए और उससे पहले जो एक्टिविटीज हैं प्री हैं उस एक्टिविटीज के उनको कब कंप्लीट होना चाहिए और शुरू होना चाहिए एंड सो ऑन सो लेटेस्ट फिनिश रूल बेसिकली इज के uh, जो इमीडिएट uh, इमीजिएट है uh, अगर तो एक सिंगल एक्टिविटी के तो उस केस के अंदर जो लेटेस्ट फिनिश विल बी इक्वल टू द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी डेट इमीजिएटली फॉलोज इट ये जरा हम करके इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि कंप्लीट हुई हुई है उधर से हमने शुरू किया एच से लेट से शुरू किया तो एच के जो लेटेस्ट स्टार्ट है उससे पहले वाली का लेटेस्ट फिनिश एच के लेटेस्ट स्टार्ट का हो, होना चाहिए तो ये हम बैकवर्ड जा रहे हैं ठीक है अगर एक से ज्यादा एक्टिविटीज हैं तो उस केस के अंदर जो लेटेस्ट फिनिश इज द मिनिमम ऑफ द लेटेस्ट स्टार्ट वैल्यूज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज जो कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज प्रसर्स में आ रही हैं वो अगर एक से ज्यादा हैं तो मिनिमम वैल्यू को हम यूज करेंगे इसको हम करके देखेंगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा सो लेटेस्ट फिनिश इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ ऑल द इमीजिएट फॉलोइंग एक्टिविटीज दो हैं तो उन दो से हमने एक एक्टिविटी को देखना है उससे पहले जो एक्टिविटी थी उसका लेटेस्ट फिनिश क्या है तो इन दोनों एक्टिविटीज का जो भी लेटेस्ट स्टार्ट्स मिनिमम वैल्यू होगी वो उसका लेटेस्ट फिनिश होगा तो इसके बेसिस के ऊपर हम इसको डिटरमिन करेंगे इसी तरह लेटेस्ट स्टार्ट वैल्यूज क्या होगा लेटेस्ट स्टार्ट विल बी बेसिकली एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश हमने डिटरमिन कर लिया उसमें से एक्टिविटी ड्यूरेशन हम माइनस करेंगे उसकी एक्टिविटी की तो वो हमारा लेटेस्ट स्टार्ट की वैल्यू आ जाएगी इसको हम देखते हैं इन इस केस के अंदर जैसे मैंने बताया था नाउ लेट्स सपोज दिस इज द लास्ट एक्टिविटी जहां से अब हमने शुरू करना है बैकवर्ड पास इसके अंदर हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश है दैट इज़ 15 वीक्स जो हमने फॉरवर्ड पास से फाइंड किया था और अर्लीस्ट स्टार्ट वॉज थर्टीन uh, क्योंकि फिफ्टीन माइनस टू इज थर्टीन और 13 plus 2 is 15, तो उस बेसिस पर हमने फॉरवर्ड पास किया था अब जो हमारा बैकवर्ड पास है वो भी यही है कि प्रोजेक्ट फिफ्टीन वीक्स में कम्प्लीट होने का मतलब है कि एच एक्टिविटी जो है वो फिफ्टीन वीक्स में कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो भी फिफ्टीन होगा और फिफ्टीन माइनस टू थर्टीन विल बी द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम तो इस तरह हमने फाइंड करना है लेटेस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट स्टार्ट लेट्स लुक एट द डायग्राम ये हमारा डायग्राम था फॉरवर्ड पास के बेसिस के ऊपर हमने जो डायग्राम बनाया था और उसमें हमने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश डिटरमिन किए थे टाइम फॉर ईच एक्टिविटी सो नाउ वी विल स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम एच सो एच का अर्लीस्ट फिनिश विल बी सेम एज इसका अर्लीस्ट स्टार्ट क्योंकि फिफ्टीन वीक से हम डिले नहीं करना चाहते ये प्रोजेक्ट तो हमारा लेटेस्ट फिनिश विल बी फिफ्टीन के एक ही टाइम पर होगा इसी तरह फिफ्टीन माइनस टू विल बी थर्टीन लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एच सो दैट इज वॉट वी हैव नाउ वॉट विल इज कि जो एफ का है बेसिकली वो क्या होगा दैट विल बी थर्टीन वाई बिकॉज इसका लेटेस्ट स्टार्ट एच का वॉज थर्टीन तो यही इसका लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा इसी तरह यही इसका लेटेस्ट फिनिश बनेगा फॉर जी तो इन दोनों का थर्टीन आ गया एक में से थर्टीन माइनस फाइव किया और एक में से थर्टीन माइनस थ्री किया तो वो एफ का लेटेस्ट स्टार्ट टेन बन गया जबकि जी का लेटेस्ट स्टार्ट एट वीक्स का आ गया अब जी से हम बैकवर्ड गए टू ई और इसका क्योंकि लेटेस्ट स्टार्ट वॉज एट तो वो ई e का लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा एंड देन एट माइनस फोर विल बी लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ ई दी है सी के बाद परफॉर्म होंगी तो इसके अंदर हमने जो बात की थी रूल लगाया था कि मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ बोथ एक्टिविटीज एफ एन डी का जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी द सी इज लेटेस्ट फिनिश एंड दैट इज ऑल्सो गिवन हियर लेटेस्ट फिनिश इज मिनिम ऑफ द टू वैल्यूज फोर और टेन फोर माइनस टू इज टू वेर एज डी जो है वो क्योंकि जी से पहले होगी तो उसका एट ही आएगा लेटेस्ट फिनिश एंड एट माइनस फोर इज फोर नाउ अगेन वी हैव टू एक्टिविटी सी एंड डी जो कि ए के बाद परफॉर्म होगी इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो वैल्यू होगी ए uh, की लेटेस्ट फिनिश विच इज़ टू इन दिस केस एंड वी विल हैव टू माइनस जीरो इज ज़ीरो और डी से हम बी में जाएंगे तो वो फोर माइनस थ्री इज़ वन और इसके अंदर भी अब इन दोनों एक्टिविटीज से हमने देखना है कि किसका स्मॉलेस्ट और मिनिमम लेटेस्ट स्टार्ट है दैट इज ज़ीरो तो हमारी स्टार्ट कभी ज़ीरो ही लेटेस्ट uh, फिनिश होगा तो इस बेसिस के ऊपर हमने ये अब सारे लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश अर्ली स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश डिटर्मिन कर लिए